नाव रिप्रोडक्शन एन लाइकेंस द लाइकेंस रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ द थैलस बॉडी जनरली कैसे करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा अस्क्शुअल होता है अस्टक्शुअल में भी कौन सा मेथड यूज़ करते हैं ये फ्रेगमेंटेशन का यानी इसकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती जाती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में और फिर वो फ्रैगमेंट्स ग्रो कर जाते हैं और न्यू ऑर्गेनज में बन जाता है इससे एक पूरा है ये बॉडी है उसकी ये यहाँ से डिवाइड हो गई ये पूरी बॉडी यहाँ से डिवाइड हो जाए और ये वाला एक पार्ट बना ले और ये वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म बना ले दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए तो इसको कहेंगे फ्रेगमेंटेशन तो ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं जनरली एट टाइम सर्टन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सोरेडिया आ फॉर्म अब कभी कभी क्या होता है सोरेडिया फॉर्म हो जाते हैं सोरेडिया क्या होते हैं इसमें फंगल हाइफी होते हैं और एलगल सेल्स होती हैं तो क्या करती है इस पूरा जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारे फंगल फाइबर्स हैं हाइफी हैं और सेल्स हैं अलग सेल्स हैं वही क्या करती हैं ग्रुप में बाहर निकल जाती हैं ग्रुप बना लेती हैं छोटा सा जिसमें थोड़े तो थो हाइफी हैं थोड़े सेल हैं इस ग्रुप को कहेंगे सोलिडियम और इसका प्लूरल सोलिडिया तो ऐसे बहुत सारे सोलिडियम बन जाते हैं और ये इस पूरे ऑर्गेनिज्म से बाहर निकल जाते हैं अब विंड के थ्रू ये दूसरी जगह पर चले जाएंगे दूसरी लैंड दूसरी जगह पर ये लैंड हो जाएंगे और वहाँ पर जाके फिर ग्रो कर जाएंगी और न्यू लाइक बन जाएगा असोडियम हैज़ अ फ्यू एल्गल सेल्स सराउंडड बाय फंगल हाइफ़ी क्या होती हैं इसमें एल्गल सेल्स होती हैं थोड़ी जो कि सराउंडेड रहती हैं फंगल हाइफी से सराउंडेड रहती हैं तो ये एल्गल सेल हैं इसके चारों तरफ क्या है फंगल हाइफी दे गेट डिस्पर्स बाय विंड और अदर एजेंसी और ये विंड और अदर एजेंसी मान लो से अटैच हो गए एनिमल के साथ दूसरी जगह पर जाकर ग्रो कर गई जिससे तो किसी भी एजेंसी के थ्रू ये डिस्पर्स हो जाती हैं यानी दूसरी जगह पर चली जाती हैं एंड डेवलप इंटू न्यू लाइकिन थैलस और क्या बना है? लेती हैं न्यू लाइकन थैलस बना लेती हैं थैलस किसके लिए लाइकिन की जो बॉडी है उसी को केयर द एक्सपेरिमेंट्स इन कंबाइनिंग द टू कॉम्पोनेंट्स हैव नॉट बीन सक्सेसफुल अगर अपन आर्टिफिशली चाहें लेबोरेटरी में चाहें कि अपन लाइकिन बना दें फंगस और एल्गी को साथ में ग्रो करवा दें लाइक इन बन जाए ऐसा नहीं होता अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है and so it has not been possible to create a lichen artificially. इसे artificially अपन lichen को नहीं बना सकते. Although its components can be studied separately. par agar अपन chahe inko study karna मान लो lichen की study karna chahe usme fungal component ko alag kar दें और algal component को अलग कर दें और दोनों को proper nutrition दें, तो अपन इनकी अलग-अलग study कर सकते हैं. ये इनकी death नहीं होगी, ये survive कर जाएंगे. अगर nutrition available हो तो ना इकोनॉमिक इम्पोटेंट इम्पॉर्टेंस इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होगी इनकी दे मेक द फूड ऑफ एनिमल्स लाइक द रेनडियर एंड कैरेबो मस्क ऑक्स इन द ट्ड्रा रीजन टंडा रीजन क्या होते हैं कोल्ड रीजन्स होते हैं जहाँ पे आइस होती है और बहुत ठंड होती है वहाँ उस रीजन पे ऑर्गेनज मिलते हैं एनिमल्स मिलते हैं रैनडियर एंड कैरेबो ये वहाँ पे किस पे फीड करते हैं क्योंकि ऐसी हार्ड कंडीशन में बहुत सारे प्लांट्स तो नहीं होते हैं इसलिए वहाँ पे क्या होकर लाइकिन होती है और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लाइकिन पर ही फीड करते हैं इसलिए वहाँ पे जो लाइकिन ग्रो करती है उसको क्या कहते हैं रेंडियर मॉस मोस्टली कौन होते हैं वहाँ पर मेजोरिटी किसकी होती है रेंडियर की इसलिए उसको क्या कहते हैं फिर लाइकिन को रेंजियर मॉस दे आर रेफर टू एस रेंडियर मॉस सेवरल पिगमेंट्स इंक्लूडिंग द पी एच इंडिकेटर एंड लिटमस अब इनसे अपन क्या बना सकते हैं क्या यूज़ में ले सकते हैं लाइकैन को पिगमेंट्स बनाने के लिए अलग अलग कलर के पिगमेंट्स बन सकते हैं इनसे उन पिगमेंट्स का यूज़ अपन क्या चीज़ बनाने में करेंगे फिर पी एच इंडिकेटर है लिटमस लिटमस पेपर होता है जो इंडिकेट कर देता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है तो किस किस कलर में आता है ये ब्लू कलर में आता है रेड कलर में आता है तो लिटमस पेपर के जो पिगमेंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं लाइकेन से है मिलते हैं अपन को और जो पी एच इंडिकेटर है ये भी क्या होता है स्ट्रैप होती है पेपर की उसको अपन उस पर कोई भी अपन सब्सटेंस डाल दें उसका कलर चेंज हो जाता है उस कलर चेंज को अपन नोट कर लो और उसको कंपेयर कर लो जो टेबल होती है उससे और पता चल जाता है इस सब्सटेंस का पीएच क्या है तो ये दोनों हैं पीएच का को पता लगाने के लिए होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं तो इनके जो पेगमेंट्स इनका जो कलर है वो कहाँ से आता है लाइक प्रोड्यूस करते हैं दे आर यूज एज मेडिसिन एंड फॉर फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंस क्या करते हैं ये मेडिसिन बनाने में भी काम में आते हैं फ्लेवर्स एड करने में भी काम में आते हैं और फ्रेगरेंस इनसे स्मेल भी अच्छी आती है ऑन रॉकी एरियाज दे बिगिन द सॉयल फॉर्मेशन बाय एचिंग द रॉक सर्फेस वही क्या कर ये सॉइल फॉर्मेशन करेंगी सॉयल फॉर्म कर देंगी रॉक पर ग्रो कर जाएंगे और उसके सर्फेस को डिग्रेड कर देंगी उसकी सरफेस की पार्टिकल्स को हटाते जाएंगे और सॉइल फॉर्म होती जाएगी एंड एडिंग देयर ओन कंटेंट और ख़ुद का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है आफ्टर द डैथ वो वो भी ऐड करते जाते हैं उस जगह पर इससे जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल होता जाता है अदर जो ऑर्गनिक में उनके लिए दे एक्ट एज यूज़फुल पोल्यूटेंट मोनिटर्स क्या कहते हैं ये पॉल्यूटेंट को मोनीटर कर सकते हैं एज द नंबर एंड वेराइटी इनक्रीज एज द डिस्टेंस फ्राम पॉल्यूशन एरिया अब क्या है मान लो एक जगह पे कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है तो ये यह यहाँ पे इनका नंबर बिल्कुल कम होगा यहाँ पे भी उनका थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उनका नंबर बढ़ता जाएगा तो इनको पता चल जाएगा कि कहाँ तक इसका पॉल्यूशन फैला हुआ है कहाँ तक ये ये जो फैक्ट्री पॉल्यूशन कोर्स कर रही है तो जहाँ पर अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे लाइकें तो यानी वहाँ पर उस जगह पर पॉल्यूशन नहीं है उसके पहले जहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पा रहे वहाँ पर क्या है पॉल्यूशन है तो इनका नंबर और वैरायटी किसको डिटरमाइन करती है कि उस जगह पर पॉल्यूशन है या फिर नहीं तो ये चैप्टर चैप्टर कंप्लीट हो गया सेकंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का अब इसकी क्वेश्चन आंसर्स या असाइनमेंट जो देंगे उसको फिनिश करना है ऑन टाइम इनकी नोट्स कंप्लीट करना है लर्न करना है ऐसे नहीं कि बात के लिए छोड़ दो लर्न करने का काम लर्न साथ के साथ करते जाओ एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं जैसे स्कूल रीओपन होंगे तो अभी से पे करना स्टार्ट कर दो